नमस्ते बुरहानपुर, एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फलार्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में युवा का रूपेश पाटिल की मौत हुई है, करंट लगने से मौत हुई है। सीएम मोहन यादव के हेलीपैड पे यहाँ पे लापरवाही बरती गई है, जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी, जिसके बाद परिजन आक्रोश। सीएम मोहन यादव का दौरा है बुरहानपुर में, यहाँ पे हेलीपैड की तैयारी चल रही थी। हेलीपैड निर्माण के दौरान ऊपर बिजली का तार था, जिसको हटाने के दौरान एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। उसके बाद जिला अस्पताल के बाहर यहाँ पे चक्का जाम कर दिया। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे चक्का जाम कर दिया है, किस तरीके से वाहनों को रोका गया है, किस तरीके से झाड़ों को काट के यहाँ पे बीच में सड़क पर डाल दिया गया है। आप लगातार वीडियो बन रही है, लगातार यहाँ पे हमारी खबरों में रही है। यहाँ पे कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी भी पहुँचे हैं, यहाँ पे किशोर महाजन भी पहुँचे हैं, यहाँ पे हेमंत पाटिल भी पहुँचे हैं, सचिन व्यास भी पहुँचे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये खुद भी धरने में बैठ गए हैं। हम आपको लगातार आगे भी खबर में दिखाते रहेंगे। यहाँ पे भाजपा नेता गजेंद्र पाटिल पहुँचे हैं, बड़े नेता तमाम पहुँचे हैं यहाँ पे, लेकिन ये ग्रामीण जो है ये मानने को राजी नहीं है। ये ग्रामीण परिजन और कांग्रेसी धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद सड़क पर बेहाल हो गया। आप देखिए किस तरीके से लोग झाड़ उखाड़ रहे हैं, किस तरीके से पत्थर उखाड़ रहे हैं, और ये जाम की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है पूरा, फिलहाल कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। यहाँ पे माहौल बिगड़ते जा रहा है, यहाँ पे हाईवे को जाम कर दिया है। ये नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे, आपको देखिए किस तरीके से यहाँ पे हाईवे पे जाम कर दिया गया है। हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। Yeah.